चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। फाइनली हम ऊपर पहुंच ही गए और ये देखिए 108 फीट की हनुमान जी की स्टैचू। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमित राजभर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अमित राजभर ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जाकू टेंपल, जो कि शिमला के सबसे टॉप पहाड़ पे है और वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा हनुमान जी का 108 फीट का स्टैचू। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच ही गए जाकू टेंपल। अब यहीं से ऊपर जाना है। देखिए हम ऊपर आ रहे हैं। फाइनली हम ऊपर पहुंच गए। देखिए यहाँ से मेन द्वार है मंदिर तक जाने के लिए और यहाँ से नीचे प्लेग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए। तो अब चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। और दोस्तों इस गेट में जो कारीगरी की गई है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर में लिखा हुआ है वो पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। अगर आप जाएं तो यहां से पढ़ते हुए जा सकते हैं। और ये नीचे देखिए, नीचे का ये नज़ारा है, मतलब ये मंदिर इतना ऊंचा है कि आप यहां से पूरा शिमला का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। यहां देखिए सब हनुमान चालीसा लिखा हुआ है ऊपर में। फाइनली हम ऊपर पहुंच ही गए और ये देखिए 108 फीट की हनुमान जी की स्टैचू। तो चलिए हम आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा बता दूं। तो दोस्तों जाकू शिमला से 3 किलोमीटर के दूरी पर सबसे ऊंची चोटी पर बना है। यहां से शिमला का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहां बना हनुमान मंदिर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि श्री राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी के घायल होने पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था और तभी उनकी नज़र यहाँ पे तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी थी, जिन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी की जानकारी दी थी। फिर जाकर इस जगह का नाम पहले यक्ष, फिर याक से याकू और याकू से जाकू तक बदल गया। बताया जाता है कि जहाँ हनुमान जी विश्राम करने के लिए रुके थे वहाँ पे उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद है और इसी जगह के पास यह मंदिर बनाया गया है। इस जगह पे हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है जो देश के सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो शिमला के हर एक कोने से दिखाई देती है। तो दोस्तों यह था हमारे जाकू टेम्पल का रहस्य। तो चलिए अब देर ना करते हुए आपको यहाँ का दर्शन करा दे।
फाइनली दोस्तों हम मंदिर के सामने आ गए हैं। देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है और कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, और यहाँ बगल में सामने कुछ सामाने वगैरह बिक्री हो रही है। जाकू मंदिर सामने से कुछ ऐसा दिखता है। चलिए अब देर ना करते हुए अब दर्शन की ओर चलते हैं। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। बहुत बड़ी लंबी लाइन थी। ये देखिए अंदर कुछ ऐसा दिखता है। कितने अच्छे से सजाया गया है मंदिर के अंदर, और कई सारी फोटो वगैरह भी लगी हुई है। वे देवी देवताओं की फोटो यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों दर्शन करने के बाद यहाँ बगल में ही लंगर बन रहा था, तो हमने भी सोचा कि चलो प्रसाद ले लिया जाए। तो हम आ चुके हैं। ये देखिए लंगर खिलाया जा रहा है। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ प्रसाद जरूर खा कर जाए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों यह था हमारा चाकू टेंपल के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।